से खबर, जहां पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर जो लेपर्ड कल पिंजरे में कैद हुआ था, आज वो फरार हो गया। एनक्लोजर से जो लेपर्ड है वो बाहर निकल आया और लेपर्ड के बाहर आने से अब वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है। तो वहीं वन विभाग की टीम बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ से सटी पहाड़ी पर सर्चिंग कर रही है। दोनों जगहों पर पर्यटकों का प्रवेश भी रोका गया है और साथ ही मजदूरों को भी सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। पिछले दिनों 4 लेपर्ड को गोगुंदा से पकड़कर लाया गया था सज्जनगढ़ स्थित बायो पार्क में, और कल जो लेपर्ड यहां पर पकड़ा गया था वो एनक्लोजर से फरार हो गया है। तो बड़ी लापरवाही यहां पर बायोलॉजिकल पार्क की सामने आई है। अभारा के आसपास के जो दो पहाड़ी हैं, वहां पर सर्च चलाया जा रहा है, इस लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल जो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी लेपर्ड के पिंजरे में कैद होने की वजह से, अब एक बार फिर से उनका डर जो है वो यहां पर सामने आ गया है। तो कल पिंजरे में लेपर्ड कैद हुआ और आज वो फरार हो गया है। सहयोगी अविनाश जगनावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, कल लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ था, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे कि ग्रामीणों को राहत की सांस मिली, लेकिन एक बार फिर से जो अब वो लेपर्ड है जो कि कल पकड़ा गया था वो फरार हो गया है। अब क्या जानकारी, कैसे आखिर वो एनक्लोजर से बाहर निकल आया, क्या कुछ कहना है वन विभाग का? जी बिल्कुल, देखिए पिंजरे के अंदर एक लॉक लगा हुआ होता है ब्लेड, उसको तोड़ के वो बाहर आया है। वन विभाग के तमाम आला अधिकारी बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे हैं और पार्क में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को खंगाला जा रहा है। अभी जो एक जानकारी, हालांकि उसको पुख्ता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंदर के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि संभवतया पार्क के अंदर ही लेपर्ड जो है वो हो सकता है, क्योंकि पार्क को जब ये बायोलॉजी के पार्क डेवलप हुआ था तो उस समय बाहर से लेपर्ड अंदर आके और कुछ वन्य जीवों को का उसने शिकार कर लिया था। उसके बाद से उसको इलेक्ट्रिक वायर से और उस तरह से पैक किया गया कि ना ही कोई वन्य जीव अंदर से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। तो ऐसे में आसपास की पहाड़ियों पर भी वन विभाग के कर्मचारी सर्च कर रहे हैं, लेकिन विभाग की टीम का पूरा फोकस जो है वो बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है। और ऐसे में एक ये गनीमत ये भी है कि रही कि आज के मंगलवार के दिन बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहता है। पर्यटकों के लिए आज बायोलॉजिकल पार्क नहीं खुलता है। मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए आज पूरे दिन वन विभाग के कर्मचारी उसके अंदर काम करते हैं। ऐसे में कोई पर्यटक पहले से ही नहीं थे, कुछ देर के लिए सज्जनगढ़ के लिए पर्यटकों का प्रवेश रोका गया था, लेकिन फिर से उसको शुरू कर दिया गया है। और अगर बायोलॉजिकल पार्क में ही ये लेपर्ड है तो ये तो गनीमत की बात है, लेकिन अगर ये लेपर्ड बाहर चला गया तो फिर से वही दहशत लोगों में फैल जाएगी, फिर से ये किसी पर भी अटैक कर सकता है। अब क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि जिस पिंजरे में पैंथर या लेपर्ड को कैद किया गया है वो उनसे खुल ना पाए? आखिर ऐसे कैसे पिंजरे से वो लॉक खोलकर फरार हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बाहर निकल गया तो बाहर एक तरफ बायोलॉजिकल पार्क के पूरा फॉरेस्ट का बड़ा घना जंगल है, अगर जंगल में गया है तो मूवमेंट रिहायशी इलाकों में हो गया तो कहीं ना कहीं चिंता की तलब जो है वो बन सकता है। उसके अलावा अगर ये कहे कि आखिर बाहर कैसे निकला, तो जिस पिंजरे में उसको कैद करके लेके आए थे उसमें वो बाहर निकला है, क्योंकि शाम को ही वो पिंजरे में कैद हुआ था और उसके बाद में लेपर्ड को जो है रात को यहाँ पर लाया गया था बायोलॉजिकल पार्क में। उदयपुर में जहाँ पे भी पिंजरा लगाते हैं, जहाँ पर लेपर्ड अगर पकड़ में आता है तो उसको बायोलॉजिकल पार्क लाया जाता है, 24 से 48 घंटे तक उसकी जांच की जाती है और उसके बाद में उसको अगर पूरी तरह से वो स्वस्थ है तो उसको छोड़ा जाता है। तो क्योंकि उसको कल रात को ही लाए गए थे, उसके स्वास्थ्य की जांच होनी थी, तमाम जो यहाँ पर पशु चिकित्सक है वन विभाग के वो उसकी जांच करते थे, लेकिन उससे पहले ही वो उस पिंजरे को तोड़ के भग गया है। और अभी तमाम अधिकारी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है, आसपास के इलाके में, और पार्क में सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है। जो सर्च अभियान लगातार जारी है, फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर जिस पिंजरे को उसको कैद करने की लगाया गया था उसी पिंजरे का लॉक इस तरीके से ठीक ढंग से नहीं रखा गया है, या ये सुनिश्चित नहीं किया जा रहा कि जो पैंथर है या लेपर्ड है वो अंदर ही रहे, लॉक्ड
ही रहे, ऐसे कैसे पिंजरा खोलकर कोई बाहर पैंथर जो है वो निकल सकता है, लेपर्ड निकल सकता है। ठीक है अविनाश, आप अपडेट रखिएगा, जानकारी में आपसे लेंगे जब ये पैंथर फिर से पकड़ में आ जाता है, लेपर्ड पकड़ में आ जाता है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।